जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने बुधवार को पुणे पोर्शे हादसे में 17 वर्षीय नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द कर दी। अब उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। इससे पहले पुलिस ने उसके बिल्डर पिता को गिरफ्तार किया था, जिसे कोर्ट ने 24 मई तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। 19 मई को पोर्शे कार की टक्कर में बाइक सवार युवक और युवती की मौत हो गई थी। पुणे पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि जेजे बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को 5 जून तक बाल सुधार गृह में भेज दिया है। पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कि नाबालिग आरोपी पर एक वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इसके लिए पुलिस ने ऊपरी अदालत से अनुमति मांगी है। आपको बता दें कि पुणे पुलिस ने मंगलवार को विशाल अग्रवाल को छत्रपति संभाजी नगर से गिरफ्तार किया था। विशाल की कोर्ट में पेशी थी। दोपहर में पुलिस जैसे ही विशाल को सत्र न्यायालय ले जाने के लिए निकली तो रास्ते में एक संगठन से जुड़े लोगों ने विशाल पर स्याही फेंक दी। कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और पुलिस वैन को रोकने की कोशिश की। मौके पर पुलिस ने मोर्चा संभाला और भीड़ को हटाया। उसके बाद पुलिस वैन आगे बढ़ गई। पुणे में 17 साल के लड़के ने 3 दिन पहले शराब के नशे में अपनी पोर्शे कार से बाइक सवार 2 इंजीनियरों को रौंद दिया था। हादसे में दोनों की मौत हो गई थी। मरने वालों की पहचान अनेश अवधिया और अश्विनी कोष्टा के रूप में हुई है। दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और पुणे में काम करते थे। इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने कुछ शर्तों के साथ आरोपी नाबालिग को रिहा कर दिया था। पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें बार के 2 मैनेजर, बार का मालिक, होटल कर्मचारी और आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल का नाम शामिल है।